Lebe mit dazu, lebe mit Juan. राजनीति में आया राम गया राम की परंपरा में ये सबसे ताज़ा तस्वीर है। ये तस्वीरें बताती हैं कि राजनीति में विचारधारा अब शून्य है और अपना फायदा ही प्रमुख है। बीजेपी में शामिल होने वाले ये 10 विधायक कल तक सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का पर्चा बुलंद कर रहे थे, लेकिन एक ही झटके में इनका दिल बदला और दल बदल करके SDF के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। टोटल 10 जो SDF के विधायक हैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में हम लोग शामिल हो रहे हैं, और इसके लिए सबसे पहले तो पूरे टीम की तरफ से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट नड्डा साहब, मोदी जी, इसी तरह से अमित शाह जी से, अर्थात उन लोगों को आंतरिक हृदय से मैं धन्यवाद चढ़ाऊंगा, और उन लोगों का आशीर्वाद लेकर हम सिक्किम में हम लोग काम करेंगे। सिक्किम विधानसभा चुनाव में पूर्व CM पवन कुमार चामलिंग की पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 15 विधायक चुनाव जीते थे। SDF के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। SDF में अब पवन कुमार चामलिंग समेत 5 विधायक बच गए हैं। सिक्किम विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। 10 विधायकों के पार्टी में शामिल होने के साथ ही अब बीजेपी विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। हम चाहते हैं कि सिक्किम में भी बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग बनाए और अच्छा से काम करके बीजेपी को, मतलब ये कमल का फूल उधर खिलाने से अवश्य सिक्किम का जो लोग है, सिक्किम का जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन लोगों का भविष्य, उन लोगों का फ्यूचर उज्जवल हो जाएगा और सिक्किम में तरक्की हो जाएगी। यही आशा रखते हुए हम लोग आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हम लोग शामिल हुए। 25 साल तक सिक्किम के CM रहे पवन कुमार चामलिंग ने 1993 में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन किया था। इसके बाद SDF ने लगातार 5 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। पार्टी ने 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की। हालांकि इस साल हुए चुनावों में SDF को हार का सामना करना पड़ा। पिछले चंद महीनों में सिक्किम तीसरा राज्य है जहां दूसरी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है। इससे पहले गोवा में कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस JDS के विधायकों की बगावत के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।